गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहाँ स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए, उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम, इसको दिखाते हैं आपको। यह है मठ आमनाय महाअनुशासनम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम, आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य, ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये है 4 मठ, एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा ज्योति, ये तो पूर्व हिमालय साइड में, और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ, और ये है श्रृंगेरी मठ, और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा, ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया इसमें, आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठ आमनाय महाअनुशासनम संपादित तथा भाषांतरकर्ता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री काशी विद्वत परिषद न्यास केदार घाट वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा, और यहाँ है ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमिशियस प्राइवेट लिमिटेड बी 7/125 बाघहाड़ा केदार घाट वाराणसी, ये इतने दूरभाष है। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पर, इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है, इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्यक्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक विहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदापीठ गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है, शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है।
इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है। अर्थात ये जी किसी मुमुक्षु को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपने गुरु तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमना के आचार्य योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं हैं। अब यहाँ पूर्वोत चारों मठों की स्थिति और क्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के चारों भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर आकाश में स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद यजुर्वेद आदि चार वेद बतलाए, अथर्वेद और सामवेद गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे चार वेद हैं और एक पुस्तक है, ये मठामनाय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवादकर्ता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल चार ही वेद हैं। अब हम आगे आते हैं। अब इन चारों मठों पर पूरे हिंदू धर्म को ज्ञान दिया जाता है और जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो किन किन मठों में कौन से वेद का पाठ होता है और कौन से देवी देवता की पूजा होती है ये वर्णन दिखाते हैं। देखिएगा, पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, प्रश्न नंबर 33 पर शारदा मठ आमनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहां दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, द्वारका वाला जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योगपट हैं। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहाँ लिखे हैं इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्धेश्वर है, सिद्धेश्वर और देवी भद्रकाली है तथा आदि आचार्य विश्व रूप सुरेश्वर आचार्य ये प्रथम थे जो उन्होंने स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ स्वरूप नामक ब्रह्मचारी साम वेद का वक्ता कहा गया है, इसमें साम वेद का ही पाठ होता है। आगे देखो, ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य में गोत्र है। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसी, तत्वमसी, तत्वमसी है। इसका उल्लेख साम वेद अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद का 6/8 ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक 8।
ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने ये तत्वमसी, और यहां इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसी इन तीन पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक, ये है गोवर्धन मठ आमनाए, गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है। इसमें गोवर्धन मठ माना जाता, यह है कि दूसरा आमनाए पूर्व दिशा में वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। यहां देखेंगे यह है गोवर्धन मठ यानी पुरी, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में, दूसरा आमनाए पूर्व दिशा का है वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और अरण्य इसके सन्यासियों के पद योगपट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहां पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3, ये यहां से लिया है इन्होंने, ये मंत्र जाप करण का। और यहां पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है, इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतला गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं, अब ये ज्योतिर्मय ज्योति ज्योतिर्मठ आमनाए, इसका दूसरा नाम तीसरा आमनाए उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है, भगवान नारायण देवता है और देवी पूर्णागिरी जी है, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए हैं। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक के उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है, यह आत्मा ब्रह्म है। क्लियर कर दिया, अब देखते जाना इनके कारनामे करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा देखो, ये है प्रश्न नंबर 44 पर, और श्रृंगेरी मठ आमनाए ये चौथा है, चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाए है, मठ का नाम श्रृंगेरी है, संप्रदाय भूरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते, रामेश्वर नामक क्षेत्र है, भगवान आदि वारा है, आदि वारा इसका देवता है और इस मठ की देवी कामाक्षी हैं। और इनका महावाक्य क्या है, यजुर्वेद यहां पढ़ा जाता है, ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया, या इस वरहद उपनिषद से लिया गया यू अहम ब्रह्मास्मि, और नाम वेदों का ले रही है। अब इन शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं।
ये पुस्तक है किबाले तीर्थ, जेपी नंगूरी इसके ये लेखक हैं। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र ए बटा एक, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक ग्री प्रिंट सर्विसेस कलकत्ता। ये ऐसे अब आपको दिखाते हैं इसके, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 42 पर हिमालय तीर्थ शंकराचार्य, ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, बौद्ध मीमांसक मंत अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। आविर्भूत यानी कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब शंकराचार्य का जन्म होगा, और उनका जन्म ऐसे ही हुआ 3000 वर्ष बीत जाने पर। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे, देखना। ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में, ये तीर्थ कैसे बने। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है, यहाँ लिखा है कि ये पहले तो इन्होंने और बताया, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमण लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि यो भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फल स्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भगवान शिव आगे वहां पर भैंस रूप धारण करके
अर्जुन के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए। और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में जानते महाबली भीम ने पकड़कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए, और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो कह तुम इसकी पूजा करो, और वो तीर्थ बन गया हमारा। कद देखिए फिर पढ़िए, दीप समझ में होगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए, भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और फिर गोत्र अत्यार गुरु अत्यार ये के फल स्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन। ये भगवान ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे, तो पिछला हिस्सा था भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहाँ आ गया अंतर जा रहे, और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया, और पांडव द्वारा पूजित हुआ, पांडव उसकी पूजा करने लग गए, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है, आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो, और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ, अरे वाह देवताओं। कहते उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहा नेपाल में, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहां पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहां पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य चार भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा, इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य चार भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अगर भाग, महिष का अगर भाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है, वह ऐसे इनके बनाए हुए ये
अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सेंसर कला का और सेंसर भुजा का, तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां है इसके अंदर, ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। अब आगे दिखाते हैं महापुरुषों के और क्या विचार हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, और ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी बैठे हैं, दो अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर एमएम द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज, और ये धर्मरथ के लेखक हैं। ये धर्मरथ पुस्तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में वर्णित धर्मरथ सारगर्भित प्रवचन, प्रकाशक हैं इसके स्वामी सदानंद सरस्वती शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका इतने जामनगर गुजरात दूरभाष इतने। धर्मरथ ये मुद्रक है अंबिका आपसेट मीठापुर 36-13-45 ये कोई इनका नंबर है, प्राप्ति स्थान यहाँ पर। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह, यानी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं, ये जो आपको दास अब सुनाने जा रहा है। अब देखिएगा इसके इसके प्रश्न नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ में हम यहां से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता, दृश्य नहीं बन सकता, तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है, यह प्रश्न बना रहता है। जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्र शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है उस बुद्धि में उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है, जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले, उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा, इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता, तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है। वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है, आत्मा सबको विदित है, मैं हूँ यह कौन नहीं जानता, सब कहते मैं हूँ भगवान के संबंध में, तो लोग प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं,
तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो के नहीं, अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूँ? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूँ। अब यहाँ देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है, ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है, प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा ध्येय बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूँ। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया, तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए, उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए, तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक विकलात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादम अपान्न हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहाँ शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, तो ये जो झूठा मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यह मैं समाप्त हो जाएगी, इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दें, आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर हैं, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति सुन हो जाओ, सुन में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा हैं। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है, इनका अर्थ ही है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा आगे, इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब सत्यम ज्ञान मंतम ब्रह्म, अब यहां आते हैं निवृत्ति में। हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई। ठीक है,
उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है। चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषद से ले रखे हैं। चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, जिनमें अथर्वेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसी। तो ये चार महावाक्य बतलाए गए हैं। चार महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो जाए तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्त्वमसी, तत्वमसी। ये तीन पद है, जिस प्रकार दस ये अपनी तरफ से बढ़ा के दस आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अर्थ है इसका, तत्त्वम असी, वह तू ही है। आगे इसको बहुत अच्छी तरह उदाहरण देकर समझाया इन्होंने। ये देखिएगा, पंचम दिवस पांचवें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए, श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहां उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवियों और सजनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी, चार वेद और उनके चार महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्वेद, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यहां देखिए। तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसी में तत् पदार्थ ईश्वर है, और ईश्वर पहले, यहां कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बताई, इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसी, इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत्वमसी में तत् तो ईश्वर है पहले है, और तोम पदार्थ जीव बाद में है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि, अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है, और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अहम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है, और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि हमारे महावाक्य है ना अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं। इसका जो है ना, जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो, समाधिस्थ में ऐसे विचार रखो अहम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसी, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मठ के फिर वो बता रखे उन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य करो, तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के प्रश्न नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई, किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ना के बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई, वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी, उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया।
इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहियो, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब 67 पर क्या कहा धर्मरथ में, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया, सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा फिर लेते हैं देखना, ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म और याद रखना, इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपके। ये देखिएगा संकर पंचम, एक पुस्तक है संकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथ नाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है, ये देखना। तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहाँ से छपी है पुस्तक, ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा ये शंकर पंचम। प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका इतने इतने जामनगर गुजरात में, और मुद्रित है श्री माता कमसिस प्राइवेट लिमिटेड 27/125 केदार घाट वाराणसी दूरवास इतने। इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, ज्ञान का स्वरूप, ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूँ, असत रूप ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूँ, इवन का ओड आवगा इनके ज्ञान का, देखिए सर सर। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं और वही सच्चा जीवन मुक्त हूं, जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यह पूछेंगे समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म है, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब यह शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है, चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये पृष्ठ 71 पर पढ़ रहे हैं हम, के ये है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा। मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है, और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं,
और ये पुजारी किसके हैं? श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था, और इन श्री शंकर भगवान के। ये भगवान की तरह गए, जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए? इसको कहते हैं उआ बाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, देखिएगा। अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमठ पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी दो पीठों के मालिक हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती श्री शारदा पीठ द्वारका गुजरात, और ये यहाँ से मुद्रित है। ये यहाँ से मुद्रित है। अंबिका ऑफसेट मीठापुर जामनगर गुजरात से, ये दो शब्द इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ इनके वचन देखियो। ये सातवां वचन इनका, सप्तम प्रसून, सातवां सत्संग, सातवां दिन दो सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशील वान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है, वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य के करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी, विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को, उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथों मारा तो उसकी सदगति होगी, ठीक है। भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। ओह, और देखिए गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या कहा, भगत भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं, किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पुराणस भगवान है, पुराणस भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है, वो जीव कहाँ गया जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा? फिर आत्मा की क्या स्थिति थी? अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी के, श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया
शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लागी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें, वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी, और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी, पैर उसके मुड़े होते हैं। और जो बच्चे सार रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा दादी माँ जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाऊ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ हाऊ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है, इन शंकराचार्यों का, कहते हैं आत्मा क्या है, आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? बबीता चौहान। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवी देवता हैं इनकी पूजा करा करते थे, सब उपवास करते थे, जो उपवास आते थे नवरात्रे ये सब जो जन्माष्टमी ये दुनिया भर के सब पूछते थे जितने देवी देवता हैं ये। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? एक हमारी गली में एक भगतमती थी ज्योति, तो उसने बताया, मैं बहुत बीमार रहती थी, फिर उसने बताया बोले संतराम महाराज जी से नाम ले लो। मैंने कही वो कहाँ हैं? बोले बरवाला आश्रम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले सोचा था कि अपने गुरु नहीं बनाया तो गुरु बनाना है। फिर सतलोक बरवाला आश्रम गई, फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले मेरे को टीवी थी, वो टीवी के लिए बहुत दूर तक मेरा इलाज हुआ। इंदौर में MBI है, जिला अस्पताल है, और ये राऊ में अस्पताल है वहाँ भी, और ये छोटी मोटी अस्पताल है तो जैसे कोई सी बची नहीं है, सतना रीवा सब दूर की दवाई चली निकल, वो दवाई से भी मेरे को लाभ नहीं हुआ। सब खून की उल्टियाँ आने लग गई, दुख के इतने कहर टूटने लग गए, सब घबरा गए। जन्माष्टमी थी वो दिन सब बच्चे उपवास करे थे, उनमें खून की उल्टियाँ हुई, फिर जिला अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल से मना ही कर दिया, MBI में दिखाया, MBI में बोले इसको ले जाओ, इसके गुर्दे उर्दे सब खराब हो गए, फेफड़े। जब टीबी का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने वो कैंसर भी बता दिया कि इसको कैंसर भी है, तो मेरे पति जी तो बहुत घबरा गए कि इतने दिन तो गए, 4-5 साल से इसको टीबी की बीमारी थी और अब ये बता दिया तो अब तो ये जाएगी, और बच्चे छोटे छोटे थे और पैसे भी घर में नहीं थे, तो बोले अब कैसे क्या करूं, तो बच्ची थी छोटी सी, उससे बोले बोले अर्चना अब क्या करेंगे, अब तो मम्मी जाएगी। तो मैंने ना ऐसे चोरी में 500 रुपये डब्बे में डाल दिए थे, मैंने कहा बेटा ये पैसे ना कभी ज़रूरत आ जाओ, ये पैसे पड़े हैं। चोरी बोले बोले पापा 500 रुपया है डब्बे में, और मम्मी को ना जिला अस्पताल ले चलो, थोड़ा बहुत इलाज वहाँ हो जाएगा। भगत जी लेके गए, पैसा तो हाथे नहीं, फिर वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया, इस करा हुआ, तो वहाँ बोले ये तो गई भी, ये नहीं बच सकती है, इसके टीबी भी है और ये कैंसर भी है, इसके गुर्दों में सब दूर लीवर में हो गया, ये नहीं बचेगी। फिर वहाँ से रात भर भर्ती करे, फिर ले आए, फिर 2-4 दिन के बाद रामपाल जी की शिष्या मिली, उसने बोला बोले तुम इतने बीमार रहते हो तो संत रामपाल जी से नाम ले लो। तो मैंने कहा वो कहाँ है? कहे बरवाला में। मैंने कहा ठीक है चलो, हमको तो गुरु बना नहीं है, ले लेंगे। फिर बरवाला आश्रम गए, वहाँ नाम लिया, संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद और मैं अच्छी हो गई, जो खाना नहीं खाती थी बिल्कुल ऐसा मेरा पेट ऐसा चिपक गया, तो बिल्कुल एक रोटी भी नहीं खाती थी, ऐसे सकुड़ गई थी बिल्कुल, उस पहले की हालत देखो और आज की देखो, तो आज तो इतनी अच्छी हूँ कोई कह नहीं सकता कि बीमार है या, और जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। आज इसको गुरु बनाने से, संत रामपाल जी महाराज से उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई, और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। और जैसे 7 साल पहले से भूत प्रेत की छाव थी, मैं सोऊँ तो मेरा गला दबाए, और बहुत तांत्रिकों के पास जाते थे, मेरे चाचा जी यहाँ से लेके गांव गए तो मैं ना तांत्रिक रहते थे वहाँ दिखाते थे, तो 15 दिन तक ऐसे वो जागरण डालते ना थाली बजाए,
और ते कि एक दो बोरे नारियल लग गए हुए फोर फोर कर रोज ना घल 10 किलो तक घी हवन में एक महीना तक वह जागरण पड़ा और फिर भी अच्छी नहीं हुई। यहाँ एक बड़वानी है वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी दिखाया 11-11, 12-1200 रुपया लेना, 1500 लेना, 3-3 हज़ार रुपया, कहीं 4 हज़ार ऐसे देते थे, कहीं भी अच्छी हो जाए, फिर भी अच्छी नहीं होती थी। फिर भी वही भूत प्रात, सो नहीं पाती थी, रात रात भर जगूं, 1.5-2 साल से ऐसे बिस्तर नहीं पकड़ती, को डर के मारे आए लेटूं तो गला दबाए, उसके ऐसे मोटे मोटे हाथ दिखें और उसका चेहरा नहीं दिखता था कि चेहरा कैसा है, तो मैं बहुत डर जाती थी, सोती नहीं थी। तो लड़की थी मेरी बड़ी वाली, छोटी सी थी, 8-10 साल की, तो स्कूल जाए और फिर आके घर का काम हो जाए, मैं तो पागल जैसी थी। तो जब वो रात में पढ़ने के बैठे तो बोले मम्मी तू मेरी कहीं सो जा, तू रात में डरती है ना, सोती नहीं, पूरी रात बैठी रहती है, सो जा। तो मैं कही नहीं, मैं सोऊंगी ना तो मेरा गला दबाएगा, मैं नहीं सोऊं। तो बोले मैं बैठी हूँ ना, वो आएगा तो मैं देखूंगी, नहीं आएगा। तो जब वो छोरी थोड़ा बहुत ऐसी पढ़ाई करे ना तो वहाँ मेरे को लेटा लेती थी, उतनी में सोती थी बस। और ये भूत प्रेत की छाया जो थी, इनकी बाधा थी, तो संतराम पाल जी महाराज से नाम लेने के बाद ही अच्छी हो गई। पति देव खूब नशा करते थे, दारू, मांस मंदरा खाना, बीड़ी, गुटखा, गांजा पीना, सब पूरे जितने बेकार थे सारे नशा करना, और घर में आना, बच्चे छोटे छोटे रहते थे, कभी सो जाए 12-1 बजे घर आना, उनको चिल्ला चोट करना, मारना पीटना, 12-1 बजे उठा देना, उठो स्कूल गए नहीं गए, क्या कर रहे थे, क्या काम करा, बच्चे ऐसे हल हल डरते थे, खूब ऐसे डरते थे, रोते थे, वैसे टेंशन रहती थी पापा आएंगे मारेंगे। कभी बीच में मैं बोल देती थी कि बच्चे सोए हैं क्यों चिल्लाते हो, उनको 12-1 बजे रात में जगा देते, मैं वो खूब गाली देते थे, मारपीट करने लगते थे कभी कभी, कि इतना तक करा था कि मेरे इस कान में मारा था ना, पी के खा पी के नशा करके तो कान का मेरा पर्दा भी फट गया। और फिर डॉक्टर को दिखाने ले गए अस्पताल, दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ कान में, बोले गिर गई। तो डॉक्टर बोले गिरी तो नहीं है, तुमने थप्पड़ मारा, इसका कान का पर्दा फट गया। फिर ऐसे रहते रहते कान मेरे मवाद चूने लग गई, 1.5-2 साल तक ऐसे मवाद चूए, ये पूरी खोपड़ी दुख है, ऐसे पूरा सिर दुख है। इन मालिक संतराम पाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पति का नशा भी छूट गया, मेरी बीमारी भी दूर हो गई सब। आज संतराम पाल जी महाराज की कृपा से मेरे पति भी ठीक है, मेरे बच्चे भी सही है सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति का नशा छूट गया, आपकी टीबी की बीमारी ठीक हो गई, और संत रामपाल जी महाराज ने आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक की और एक नया जीवन दान दिया। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या कैंसर से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए तो संदेश क्या दूंगी, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, और मेरा तो जो इंटरव्यू सुनेंगे आज ससुराल वाले, पियर वाले, और जो इंदौर के हैं 4-10 गली के, को तो पता है कि मैं कितनी बीमार थी। और आज संतराम पाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लेने के बाद मैं इतनी सुरक्षित हूँ और अच्छी हूँ। तो सब बहनों भाई से मेरी प्रार्थना है, जो मेरी जैसे दुखी बीमार सब हैं, तो संतराम पाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपनी बीमारी दूर करें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पे सत्संग आता है, उस पे पट्टी चलती है, उस पे मोबाइल नंबर रहते हैं, तो उससे नाम नाम सेंटर का पता पूछ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।